किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले देशवासियों को देव दीपावली पावन पर्व और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व विश्व में सभी लोगों और सभी देशवासियों को बधाई दी। आगे मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार एक के बाद एक कदम उठाती रही है। इसी अभियान में तीन कृषि कानून लाए गए थे ताकि किसानों को फायदा हो। हम पूरी विनम्रता के साथ किसानों को समझाते रहे, लेकिन इतनी पवित्र बात कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। मैं आज देशवासियों को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसी महीने इनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। अब यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि अगले साल 5 राज्यों खासतौर उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए काफी अहमियत रखता है, लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी नाराजगी थी। विपक्ष की सक्रियता ने पार्टी को यहां चिंता में डाल दिया था, क्योंकि पश्चिम यूपी की 104 सीटों में 53 सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका में है। लिहाजा इस फैसले से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा खत्म हो सकता है। हालांकि किसान नेता अशोक धावले का कहना है कि 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, इसे टाला जा सकता था। पीएम यह फैसला पहले कर सकते थे। अब बात करें पंजाब की, तो किसान आंदोलन के कारण पंजाब में भी किसानों में भाजपा से कड़ी नाराजगी थी। बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। अब तक भाजपा अकाली दल के साथ पंजाब में चुनाव लड़ती रही थी, लेकिन कृषि कानूनों के कारण अकाली दल ने भाजपा से रिश्ता तोड़ लिया था, जिसके बाद भाजपा को पंजाब में कोई साथ नहीं मिला था। भाजपा का संगठन वहां काफी कमजोर है और पार्टी पंजाब में भी अपना पैर पसारना चाहती है। इस तरह किसान आंदोलन वापस लेने से पंजाब के किसानों को खुश करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय हिंद का किसान। वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि किसानों की ऐतिहासिक जीत है, अहंकार का सिर झुका है और सच की जीत हुई है। सरकार ने ना तो संविधान की बात सुनी ना इंसानियत की। सरकार को समझ आ गया है कि देश के किसान महत्व रखते हैं और वो वोट की भाषा समझ गई। अब बात यहाँ ये आती है कि क्या अब किसान दिल्ली का बॉर्डर छोड़कर वापस अपने अपने घरों की ओर जाएंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मौला ने सरकार से एमएसपी के लिए एक्ट बनाने की मांग कर दी है। मौला का कहना है कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन का एक साल पूरा होगा। उस दिन पूरे देश में लाखों किसान रस्ते पर आएंगे और अभी आधी मांग पूरी हुई है। जब तक एमएसपी एक्ट पास नहीं होगा, किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने भी साफ किया है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरों मुद्दों पर भी बातचीत करे। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।